अहम खबर दें आपको, गैर कानूनी प्लॉट्स का मामला, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। रेफरेंस में नवाज शरीफ, मीडिया फिरौन, मीर शकील, साबिक डीजीएलजीए हुमायूं फैज और मियां बशीर अहमद नामजद। रेफरेंस में मीडिया फिरौन, मीर शकील समेत चार मुलजमान नामजद। अदालती रेफरेंस पर 29 जून को समाअत करेगी। मुनीर बाजवा इस बारे मजीद बताएंगे। मुनीर, 29 जून को समाअत होगी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, लाहौर के एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में मीडिया फिरौन, मीर शकील रहमान और मियां नवाज शरीफ और उस वक्त के डीजीएलडीए हुमायूं फैज रसूल और डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट मियां बशीर अहमद के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है और एहतसाब अदालत के एडवन जज जवाजुल अख्तर ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए एहतसाब अदालत नंबर एक के जज असद अली को ये केस जो मार्क कर दिया है और 29 जून को इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब की जानब से जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें 21 गवाहों को, जबकि नैब की जानब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान और उसके दीगर साथी मुजरिमों ने 14 करोड़ 35 लाख रुपए की मालियत का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है और इसी हवाले से नैब की जानब से यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान ने उस वक्त के वजीर आला मियां नवाज शरीफ की मुआवनत से जो टाउन में 54 कनाल के प्लॉट हैं वो अलॉट करवाए थे गैर कानूनी तौर पर और इस पर यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान ने अपनी इन प्लॉटों की अलॉटमेंट के दौरान आने वाले जो सड़कें थी उनको भी अपने घर में शामिल किया और नैब की जानब से ये रेफरेंस जब वो जराए का ये कहना है कि स्क्रूटनी के लिए दोबारा नैब को ये रेफरेंस जब वो भिजवाया गया है। काम आइंदा रोज जो है इस रेफरेंस को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और 29 जून को रेफरेंस पर समाअत जो है बाकायदा की जाएगी, जबकि 29 जून को मीडिया फिरौन, मीर शकील रहमान को भी अदालत ने जुडिशियल रिमांड करने के लिए। अहम खबर दें आपको, गैर कानूनी प्लॉट्स का मामला, एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। रेफरेंस में नवाज शरीफ, मीडिया फिरौन, मीर शकील, साबिक डीजीएलजीए हुमायूं फैज और मियां बशीर अहमद नामजद। रेफरेंस में मीडिया फिरौन, मीर शकील समेत चार मुलजमान नामजद। अदालती रेफरेंस पर 29 जून को समाअत करेगी। मुनीर बाजवा इस बारे मजीद बताएंगे। मुनीर, 29 जून को समाअत होगी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, लाहौर के एहतसाब अदालत ने नैब की जानिब से गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट स्कैंडल में मीडिया फिरौन, मीर शकील रहमान और मियां नवाज शरीफ और उस वक्त के डीजीएलडीए हुमायूं फैज रसूल और डायरेक्टर लैंड डेवलपमेंट मियां बशीर अहमद के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है और एहतसाब अदालत के एडवन जज जवाजुल अख्तर ने इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए एहतसाब अदालत नंबर एक के जज असद अली को ये केस जो है वो मार्क कर दिया है और 29 जून को इस केस की बाकायदा समाअत शुरू होगी। लाहौर की एहतसाब अदालत में नैब की जानब से जो रेफरेंस दायर किया गया है उसमें 21 गवाहों को, जबकि नैब की जानब से ये इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान और उसके दीगर साथी मुजरिमों ने 14 करोड़ 35 लाख रुपए की मालियत का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है और इसी हवाले से नैब की जानब से यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान ने उस वक्त के वजीर आला मियां नवाज शरीफ की मुआवनत से जो टाउन में 54 कनाल के प्लॉट हैं वो अलॉट करवाए थे गैर कानूनी तौर पर और इस पर यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि मीर शकील रहमान ने अपनी इन प्लॉटों की अलॉटमेंट के दौरान आने वाले जो सड़कें थी उनको भी अपने घर में शामिल किया और नैब की जानब से ये रेफरेंस जब वो जराए का ये कहना है कि स्क्रूटनी के लिए दोबारा नैब को ये रेफरेंस जब वो भिजवाया गया है। काम आइंदा रोज जो है इस रेफरेंस को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और 29 जून को रेफरेंस पर समाअत जो है बाकायदा की जाएगी, जबकि 29 जून को मीडिया फिरौन, मीर शकील रहमान को भी अदालत ने जुडिशियल रिमांड करने के लिए।